तो गाइस फारलैंड जो है एक ऐसा ग्लिच है जो कि माइनक्राफ्ट जनरेशन में अपीयर हुआ था आज से 10 साल पहले एग्जैक्टली बीटा 1.7.3 में, एंड ये जो है डेवलपर्स ने बिल्कुल भी नहीं डाला था। तब से लेके अब तक जो है सिर्फ एक ही इंसान जो है फारलैंड्स में सर्वाइवल में पहुंच पाया है, एंड आज तुम्हारा भाई उनमें से एक होने वाला है। एंड ये देखो लॉन्च हो चुका है, एंड अगर अब मैं इस वर्ल्ड को लोड करूं वर्ल्ड बॉर्डर तक गया है, 12 मिलियन ब्लॉक्स तो कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। तो गाइज दिक्कत पता है कहाँ पे, दिक्कत है वर्जन में। जैसा मैंने कहा कि फारलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं 1.7.3 में बेटा वर्जन में, एंड उस वर्जन के अंदर जो है इलाइट्राज नहीं है, एंड उस वर्जन के अंदर जो है हम रन भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर मेरे को जाना है तो मेरे को चल के आराम से 12 मिलियन ब्लॉक्स तक जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तो गाइस टेंशन लेने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मैंने इसका एक सलूशन निकाल लिया, एंड वो सलूशन एग्जिस्ट करता है माइनक्राफ्ट 1.12 में, वही वर्जन आज से 7 साल पहले जिसमें मैंने माइनक्राफ्ट को खेलना स्टार्ट किया था। तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक भी कर देना। नाउ एंजॉय। ऑलराइटी गाइस, तो हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट वर्जन 1.12 में, वही वर्जन जिसमें मैंने जो है गेम को खेलना स्टार्ट करा था। भाई साहब यहाँ पे करने वाले हम क्रिएट न्यू वर्ल्ड, एंड वी आर गोइंग इन फारलैंड्स बॉयज। एंड अब तुम सोचोगे 1.12 में फारलैंड्स नहीं है, गाइस देखते जाओ वीडियो को, भाई साहब मैंने इतनी रिसर्च करी है, ऑल्सो वी आर डूइंग दिस इन हार्डकोर, सो या तो लेट्स क्रिएट न्यू वर्ल्ड एंड अपनी पुरानी यादें जो है ताजा करते हैं। जनरेट होने में टाइम तो नहीं लगेगा, हो गया जनरेट। ओ माय गॉड लुक एट दिस टेक्सचर, और भाई पुरानी यादें ताजा हो गई। एंड बाय द वे इस अपडेट के अंदर हम स्विम नहीं कर सकते हैं, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट या इतना कोई बड़ी इट्स नॉट अ बिग डील राइट। ठीक है, तो या गाइस अभी लगते हैं काम पे, जल्दी से जो है बेसिक चीजें कर लेते हैं। डैम भाई क्या टेक्सचर्स है यार ये, भाई मैं लिजिट नॉस्टैल्जिया में इतना रखा ना इस टाइम। गाइस मेरे को नीचे कमेंट्स में पक्का बताना तुम कि तुमने कौन से वर्जन में माइनक्राफ्ट को खेलना स्टार्ट करा था। मेरा तो 1.12 था बेटा में। ओ भाई साहब ये देखो यार, फोर्ट्रेस भी वहां पे, आई मीन फोर्ट्रेस इस वर्जन में तो बहुत ज्यादा इतनी रेयर नहीं होती थी। ऑलमोस्ट जब भी मैं कोई पोर्टल बनाता था पहले भी मेरे को साथ ही जो है वो मिल जाता था फोर्ट्रेस। तो या एंड इसमें थोड़ा स्पीड रनिंग भी डिफरेंट है, बिकॉज हमें जो एंडरपल्स पिगलिन से तो नहीं मिलने वाले, तो हमें नॉर्मल एंडरमैन कोई मारना पड़ेगा ओवर वर्ल्ड में। सो या अभी जल्दी से जो है ब्लेज रोड्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। ओ 3 डायमंड्स, डैम लेट्स गो। ओ भाई साहब मजा आ गया। तो एक सेकंड सोर्ड बना लेता हूं इसकी एक, यप लेट्स गो भाई डायमंड सोर्ड, भाई अब मजा आएगा। एंड लेट्स गो भाई चलते हैं यहां से, डायमंड्स लेट्स गो, फर्स्ट डायमंड्स मिल गए अभी। मेरे को एक्चुअली आयरन की पिकैक्स बनानी है, लेट्स गो। आई थिंक हम जो है मैं डायमंड की पिकैक्स भी बना सकता हूं। अरे लेट्स गो भाई कितने सारे मिल गए, यस डायमंड की पिकैक्स बना सकता हूं मैं, नाइस लेट्स गो यार। ऑलराइटी गाइस, तो हमारे पास जो है 15 एंडरपल्स हो चुके हैं। अरे भाई पहले ये नहीं करना मेरे को, एक्चुअली मेरे को जो है 5 जो है ये करना है, यप। एंड यहां पे जो अभी मैं बना लेता हूं 10 आई ऑफ एंडर, एंड अब जो है चलते हैं सच में। किस साइड है भाई? ओके तो उस साइड है, मेरे को उस साइड जाना, तो चलते हैं भाई। टूट मत जाइयो, टूटी नहीं, लेट्स गो। ओ नीचे जा रही है, ओ क्यों 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 क्यों, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। अरे यार ऊपर नहीं आई, शीट यार, एक सेकंड। ओके तो मतलब हमें बेसिकली नीचे जाना है, ओके लेट्स गो। अरे भाई सब सीधा रूम में आए हम, अरे भाई एक सेकंड बंद कर, इनको मारो सबसे पहले यहाँ से, एक सेकंड को तोड़ो। ओके मार दिया भाई, एक सेकंड। ओके कितने हैं? ओके सारे लगाने पड़ेंगे। ऑलराइटी तो अभी थोड़ा सा प्रिपेयर हो लेते हैं, इसको थ्रो करो, फालतू की चीजें जो है मैं थ्रो कर देता हूँ। ओके एरोज या 58 एरोज आई थिंक इतनी एनफ रहेंगी। ओके अभी जो गाइस मेरे को 3 स्ट्रिंग लेके आने, जल्दी से तो मैं वो ले आता हूँ। ऑलराइटी तो गाइस अभी जो क्राफ्ट कर लेते हैं बो, एंड या बस आई थिंक सो अब हम रेडी है जाने के लिए, लेट्स गो यार। ओके यहाँ पे आ चुके हैं, चलो ऊपर लेट्स गो। क्या इनको मैं ऐसे ही फोड़ सकता हूँ? ओके आई थिंक थोड़े से हार्ड होंगे क्योंकि कॉम्बैट मैकेनिक्स बहुत डिफरेंट थे 1.12 में। केज पे ऊपर चढ़ के ही मारना पड़ेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे फोड़ना, उसको लग ही रहा केज के थ्रू जा ही नहीं रही भाई यार वो। ये आया यहाँ पे, लेट्स गो निकल यहाँ से। बच गया भाई, मेरे को मार देता। बच गया, कितनी एरोज है? 29 एरोज बची है यार। ओके ओके 3 यहाँ पे पिलर्स बचे हैं और 29 एरोज बची है। एंटरपल्स, ये तो बहुत काम आएंगे।
लेट्स गो भाई, हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया इन वर्जन 1.12। लेट्स गो यार, कितने सालों बाद मैंने इस वर्जन में एंडर ड्रैगन को मारा है। लेट्स गो, एंड फाइनली अब जो है मैं एंड सिटी में जाके अपना डायमंड आर्मर लाइटर वगैरह भी ले पाएंगे। लेट्स गो यार, एंड सिटी में जाना इंपॉर्टेंट है। लाइक लाइटर्स तो मेरे को इतनी चाहिए ना फारलैंड तक जाने के लिए, लाइक पूछो ही मत तुम। एंड प्लस वहां से आर्मर वगैरह भी मिल जाएगा हमें, तो किसी चीज की दिक्कत ही नहीं होगी। लाइक डायमंड का हर कुछ मिल जाएगा, तो एंड सिटी इज लाइक बहुत ही लाइक वाइटल जगह एंड सिटीज। ओके चलो भाई, हम ऊपर आ चुके हैं, अभी चलते हैं इधर। एंड एक बार जो है मेरे को एक ब्लॉक और आया जाना है बस। एंड अब तो यहाँ से एंटर पल थ्रो करके जा सकते हैं ना। लेट्स गो। ओ एक सेकंड, ये क्या हुआ थ्रो, ये क्या हो रहा है? अरे भाई भाई, ये क्या था? अरे भाई अगर डैम भाई, और क्या है भाई ये, व्हाट द हेल, किस हिसाब से गिरा हूं मैं? ऊपर चलते हैं अभी। एंड ये आप जो है ढूंढते हैं आसपास भाई। अरे भाई कितने सारे यहाँ पे एंडरमैन है भाई, बच के थोड़ा सा यार। सिटीज मिल ही जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मिल ही जाएगी जल्दी। और भाई बोला ही था, लिटरली बोला ही था और मिल भी गई। नाइस भाई। एक सेकंड, क्या इसमें वो है, शिप है क्या? दैट्स द थिंग दो, शिप है क्या इसके अंदर? अरे और शिप एक वो रही और एक वो रही। सबसे पहले शिप पे चलते हैं ताकि लाइटर्स फिर मुड़ के जो है इधर उधर जा पाएंगे। लेट्स गो। अरे भाई भाई एक और है, एक और एंड सिटी पीछे, वो भी शिप वाली, एक इधर है और एक ये रही। अरे भाई नाइस नाइस नाइस, मजे आ जाएगा। ओके पहला हमें शल्कर शेल मिल चुका है, शल्कर शेल्स भी मेरे को काफी चाहिए एक्चुअली। ऑलराइट यार, इनके तो भाई वो ये बुलबुले से बाहर आ रहे हैं। प्रोटेक्शन 3 ये डाल लो, इस पे क्या है, अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग डाल लो भाई। लेट्स गो यार। और यहां से जो है मेरे को क्या करना है, एक बार लेविटेशन का इफेक्ट खाना है और उधर एंटर पल कर लेना है। ओके एक एंटर एक खा लेता हूँ ये। आजा भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। लेट्स गो लेट्स गो, थोड़ा सा आना है। ओके 7 सेकंड आ रहे हैं, आई थिंक सो थोड़ा ज्यादा भी है इसमें लेविटेशन का इफेक्ट। ये लो भाई पहुंच गया मैं तो। एक सेकंड, नीचे गिरते गिरते बचाओ भाई 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 यार, मेरे को सच में कसम से गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस वर्जन पे खेलने में, पता नहीं क्यों। एंड इसी के साथ में देखो हमें जो है हमारी पहली मिल चुकी है इलाइट्रा। लेट्स गो। एंड अब जो है हमें दूसरी वाली एनसीटी के लिए निकलते हैं गाइस। लेट्स गो यार। तो गाइस जब तक मेरा खाना नहीं खत्म हो जाता ना, मैं जितना लूट सकता हूँ उतना लूटता हूँ एनसीटीज को। एंड या फिर जो है अपना ओवरवर्ल्ड में जाके फार्म वगैरह सेट करेंगे एंड जब खाना वाना हो जाएगा फिर दोबारा जाएंगे। ओके अभी इसको लूटते हैं जल्दी से। और भाई मेरा पूरा खाना खत्म हो चुका है, लेकिन हम फुल डायमंड आर्मर तो हो ही गए। एंड यहाँ पे इसी के साथ मेरे को दो इलाइट्रा भी मिल गई जो कि बहुत अच्छा है। एंड अभी जो मैं खाना वाना पूरा प्रिपेयर करके और इलाइट्राज लेने जाऊंगा एंड वहाँ पे हमें डायमंड वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा, तो वो भी सही है। बट अभी के लिए इसी के साथ हम चलते हैं ओवर वर्ल्ड में। इसी के साथ में गाइस जो मेरे को मेन अभी के लिए जो डर था ना हार्डकोर में भाई आर्मर वगैरह का, वो खत्म हो चुका है। एंड अब जो है हम अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि है क्रीपर फार्म बनाना, फूड का एक अच्छा सा फार्म बनाना एंड काफी सारी लाइटर्स लेके आना। इसके बाद जो है हम अपने फारलैंड्स का सफर फिर चालू करेंगे। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी जो मैं पास वाले जो किसी प्लेन्स बायोम में यहां पे आया हूं एंड सबसे पहले जो है मेरे को यहां से वो लेने हैं भाई शुगर केन, बिकॉज़ शुगर केन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लाइक हमें जो है बहुत सारे रॉकेट चाहिए भाई, इतना ज्यादा फ्लाई करने के लिए लाइटर चाहिए, अनब्रेकिंग 3 की बुक चाहिए। ब्रो सो मच वर्क जो हमें करना है अभी। एंड अभी जो हमें थोड़ा आई थिंक सो ओशन के पास रहूंगा तो आसानी रहेगी, बिकॉज एक विलेज मेरे को आते हैं उधर से देखा भी था तो या। एंड ऑल्सो मैंने ये भी नोटिस करा इस पर फायर एक्सपर्ट लगा है, तो मेरे को जो है लाइक कुक वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी चीजों को, मैं ऐसे ही मार के देखो चिकन वगैरह ले सकता हूँ। ओके लेट्स गो। ओके अब यहाँ पे जो है मैं लगा देता हूँ जितने सारे शुगर केन है। एंड यहाँ पे जो छोटा सा बेस काइंड ऑफ जो है बेस ऑफ ऑपरेशन सेट कर लेते हैं अपना। ओके यहाँ पे बेड लगाओ, यहाँ पे लगाओ एक फर्नेसिस सारे के सारे, यहाँ पे लगाओ एक शल्कर बॉक्स, यहाँ पे लगाओ एक क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्ट करा हमने चेस्ट एंड बूम ये बन चुका है हमारा बेस भाई। मतलब और क्या ही चाहिए बेस में ना, लाइक प्रोटेक्शन हमें नहीं चाहिए, मैं पूरा डायमंड कार मेरा कौन ही मार लेगा अब तो। सो या अपना फालतू चीज इसके अंदर रख देते हैं एंड बाकी जो है लगते हैं अपने काम पे। ओके ओके अभी सारा का सारा स्टोन जो है इसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को वूल वगैरह भी कलेक्ट करनी है एंड मेरे को कैट्स भी लेके आनी है। एंड कैट्स जो है मेरे को फिश से मिलेंगी, तो ब्रो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस यार। एंड शीप से आधा है, शीप तो मैं मार देता हूँ, थोड़ा खाना मिल जाएगा मेरे को, कारपेट के लिए चाहिए बेसिकली शीप तो। ओके थोड़ी सी वूल कलेक्ट हुआ लेकिन वो मैं कर ही लूंगा लगे हाथ। सो या अभी जो एक्चुअली मेरे को काफी सारी वुड चाहिए हॉपर्स एंड चेस्ट बनाने के लिए। सो या लगते हैं उसके काम पे। ऑलराइट हमने जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है वुड कलेक्ट कर लिया, आई थिंक सो ऑलमोस्ट 4 स्टैक, या आई थिंक सो इतने ना होने चाहिए। एंड मेरे पास जो है यहाँ पे लाइक काफी सारे आयरन वगैरह भी है और आयरन की मे भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यार क्रीपर फार्म जो है लाइक 1.12 में काफी इजी हुआ करते हैं जहाँ तक मेरे को रिमेम्बर है। एक सेकंड वहाँ पे थोड़े से वो है स्केलेटन है, उनको मारता हूँ। एक कुत्ता मैंने वो कर लिया ना, क्या कहते हैं, एक कुत्ता हमने टेम कर लिया तो अच्छा रहेगा यार, मजा आ जाएगा।
लेट्स गो, दो बोन्स मिल गई तो यार आई डोंट आई थिंक सो, अब जो है टेम हो जाएगा ये कुत्ता। अगर कुत्ता टीस्पून होगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आई विल ट्राई। ओके लेट्स गो, कुत्ता फंस गया, नाइस भाई सब। ओके तो अभी जो है मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्चुअली एक स्ट्रिंग और चाहिए ताकि मैं फिशिंग रोड बना पाऊँ, फिश ले पाऊँ, देन मेरे को जो है बिल्ली, दो बिल्लियों को टेम करना है, एंड इसके बाद प्रीटी मच हमें बस फार्म ही बनाना है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मटेरियल्स हमारे पास हो चुके हैं यार। तो अभी रात का वेट करता हूँ मैं जल्दी से, एंड लेट्स गो। ओके लेट्स गो, ये रही फिशिंग रोड। एंड एक सेकंड, दो ही चाहिए होता है क्या फिशिंग रोड के लिए, मैं एक और स्ट्रिंग लेके आया था यार। ओके सो या अभी जो है यहाँ पे गाइज लगता हूँ मैं काम पे, यहाँ पे काफी देर तक मेरे को फिशिंग करनी पड़ेगी, बहुत बोरिंग काम है। तो जितनी फिश हो सकती है मैं कलेक्ट करता हूँ, तुम्हें तोड़ दे, मैं मिलता हूँ, लेट्स गो। तो गाइज देखो मैंने अभी जो 13 फिश है कुछ कचरा कलेक्ट करा है, एंड अभी जो है मैं इस बोट को लेकर जो है जा रहा हूँ विलेज में, जहाँ तक मेरे को याद है एक विलेज जो है उस साइड, एंड वहाँ पे विलेज में जो है भाई कितनी स्क्विड्स है वहाँ पे, व्हाट द हेल। तो जैसे मैंने कहा कि उधर जो है एक विलेज एंड वहीं पे जो है हमें बिल्ली वगैरह भी मिलेगी जो कि हमें चाहिए, तो जल्दी से जो है चलते हैं वहाँ पे। ओके तो यहाँ पे कहीं पे आसपास जो है बिल्ली वगैरह ढूंढते हैं, मिल ही जाएंगे एक्चुअली बिल्ली वगैरह। तो अभी क्या करता हूँ गाइस, मेरे को एक्चुअली टाइम लगेगा बिल्ली वगैरह ढूंढने में, एंड मेरे को और मटेरियल भी कलेक्ट करने हैं, एंड मैं तुम्हें एक्चुअली बता देता हूँ क्योंकि देखो मेरे को पता है द मेन कंटेंट हियर इज बेसिकली तुम फार्मलैंड्स के लिए आए हो, एंड तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट करके मैं फालतू की चीजें नहीं दिखाना चाहता। तो गाइस अब जो सीधा मैं तुम्हें फार्म बना के मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है देखो मैं एक विलेजर को लेके आया जो कि एक्चुअली ज़ॉम्बी वेजर बन चुका है, एंड या मैंने इसे सिर्फ एक ही बुक ट्रेड कर दी अनब्रेकिंग 2 की, जो कि मैंने अभी अपने इलाइट्रा पे लगा ली है। एंड ऑल्सो ये देखो कितना सारा मैंने जो शुगर केन कलेक्ट कर लिया, मैंने इस आइलैंड के जैसे तुम देख सकते हो तो चारों ओर जो है शुगर केन लगा दिया था, एंड ये देखो ये भी पूरा भर चुका है यहाँ पे, एंड वो देखो वो रहा क्रीपर फार्म वहाँ पे। अगर मैं तुम्हें वहाँ पे जाके दिखाऊँ, ये देखो कितना सारा जाएगा यहाँ पे, गन पाउडर हो चुका है, एंड में जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, लाइक लिटरली माई गॉड मैं भाई साहब बहुत ज्यादा लाइक रेडी हूँ इस टाइम पे। अभी जो गाइस सबसे पहले देखो अभी सिर्फ एक काम बचता है, देखो अनब्रेकिंग की बुक्स आ जाएंगी, मैं एक और विलेजर को देखो डिस्काउंट भी हो गया, मैं एक और विलेजर को ले आऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड फिर जो है क्या नाम लेते हैं मैं इनसे जो है शुगर केन से पेपर बना के ट्रेड करके एमरल्ड ले लूंगा, एंड जो है फिर बुक्स आ जाएंगी, तो बुक्स की दिक्कत नहीं है, एंड लेवल्स भी मेरे पास है ताकि मैं सारी लाइटर्स पे अनब्रेकिंग लगा पाऊँ, उसके लेवल भी हमारे पास। एंड अभी जो एक्चुअली मेरे को क्या करना है, मेरे को इस शेल्कर बॉक्स को जो है खाली करना है। ओके गाइस तो मैंने सारा सामान इसके अंदर रख दिया, ये शेल्कर बॉक्स खाली हो चुका है, इसको लेते हैं अपने साथ में। एंड अभी मेरे को करना क्या है बेसिकली, अभी मेरे को जो है तो काफी सारा जो है फूड कलेक्ट करना है, तो मेरे पास फायर एक्सपर्ट वाली सोड है, उससे मैं मार मार के जल्दी से फूड कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जो है गाइस मैं सीधा चलता हूँ एंड में, एंड ये पूरा शल्कर बॉक्स भर के मेरे को इलाइट्रस लेके आनी, यानी 27 इलाइट्रस जो है हमें चाहिए। तो या ये जो हम कलेक्ट कर लेंगे जल्दी से, अभी जो है फूड वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ओके गाइस तो यहाँ पे जो है मैंने जितनी लाइटर कलेक्ट करी थी कर ली, तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो भाई एक तो टूट भी गई थी भाई, वो टूटते वो तो शुक्र है मैं लाइक ऐसी हवा से छोड़ा क्लोज उड़ रहा था लैंड के तभी टूटी, और ये तो खत्म हो चुकी है। एंड मेरी एक जो है एक और लाइटर जो आई थिंक इसमें कहीं पे इसमें रखी है मेरे ख्याल से, वो दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो इसकी हालत भी बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो ये सब तो उठाओ यहाँ से। अभी जो मेरे को एक एंटरपल लेना है, जल्दी से मारो, लेट्स गो। दो एंडर पल मिल गए बिकॉज मेरे जो है लूटिंग 3 की सोड और शार्पनेस की सोड भी मिल गई थी, एंड ये रहा हमारा एंड पोर्टल। तो यहाँ से जो है अब हम निकल सकते हैं क्या? अरे यार एंड लेट्स गो, हम जो है यहाँ पे निकल चुके हैं, ये डाल लेता हूँ। ओके तो अब जो है बस मेरे को इसके थ्रू निकलना है, एंड We are here guys, let's go। बस अभी जो है मेरे को क्या करना है, मेरे को लगाना है इन सब पे अनब्रेकिंग 3, एंड मेरे को जो है सारे गन पाउडर और शुगर केन को कलेक्ट करके ड्यूरेशन 3 के रॉकेट क्राफ्ट करने हैं, एंड मे बी ड्यूरेशन 3 के रॉकेट पॉसिबल ना हो बनाने, लेकिन अगर हुए तो मैं बना लूंगा, अगर नहीं हुए तो देन नहीं बनाऊंगा। तो ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ, तुम्हें बोर नहीं करूंगा, फिर जो है मैं जल्दी से तुम्हें करके मिलता हूँ। Alrighty guys, so it's been a long long time, एंड भाई यहाँ पे जो तुम्हें दिखा देता, देखो ड्यूरेशन 3 के मैंने रॉकेट बना लिए, सबसे पहले मैंने सारों पे जो है अनब्रेकिंग 3 लगा ली है। भाई साहब तो मेरे को टाइम लगा है, मेरी सारी एक्सपी यहाँ पे जा चुके, मैं तुम लोगों को बिल्कुल अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जल्दी से जो है अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्चुअली जो है वुड यहाँ से लेनी है, एंड मेरे को जो है क्राफ्ट करने हैं लैडर्स, इतने नहीं करने थे बट या मेरे एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही लैडर जो है क्राफ्ट कर लिया है। तो अभी जो है चलते हैं नेदर में, तुम्हें एक चीज दिखानी है मेरे को, जल्दी से चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे नेदर में मिस हुए से है, बिकॉज यहाँ तक मेरे को लगता है कि 1.12 में वो ग्लिच आया था जिससे हम जो है नेदर रूफ में जा सकते थे, वो भी सिर्फ एक एंडर पल से, तो वो जो है उसके लिए हमें टेस्ट करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो जल्दी से जो है ऊपर चलते हैं, I'm pretty sure इसे ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं लगा के इस तरीके से ग्लिच आउट करूँ, प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज ग्लिच आउट हो जाइए, प्लीज ग्लिच आउट हो जाइए। और एक और चीज, मेरे पास ऑब्सीडियन भी तो नहीं है। अरे ऑब्सीडियन वो ले आता हूँ ना, फ्लिंट एंड स्टील तो मैं लाने भूल गया। ओ माय गॉड भाई काम खराब हो जाता है, जल्दी से लेके आता हूँ मैं। ओके गाइज मैं ले आया हूँ यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील और वो तो, एंड चलते हैं ऊपर। ओके आई डोंट थिंक सो मेरे को जो है जरूरत पड़ेगी, क्या नाम लेते हैं फ्लिंट एंड स्टील की। प्लीज ग्लिच आउट हो जाइए, प्लीज ग्लिच आउट हो जाइए। लेट्स गो हो गए भाई हो गए। तो अभी जो है बस मेरे को जो है जाना है कोऑर्डिनेट 00 पे, जल्दी से 00 कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। ओके तो गाइज ये देखो मैं हूँ अभी 00 पे। तो अभी यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन बताता हूँ। तो तुम्हें पता ही नेदर का एक ब्लॉक जो है ओवरवर्ल्ड के 8 ब्लॉक्स के जो है इक्वल होता है, एंड फारलैंड जो है यहाँ से 12.5 मिलियन ब्लॉक्स दूर है। एंड अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं बाय 8 तो नेदर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं 1.56 मिलियन ब्लॉक्स। तो गाइज हमें जो है किसी एक एक्सेस पे फॉर एग्जांपल इधर जो है 1.56 मिलियन ब्लॉक्स जो है उड़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्टिक होने वाली है मेरे को, सबसे पहले जो है यहाँ पे पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ अपने आप को, जल्दी से चीजें वगैरह निकाल लेता हूँ एंड जो चीजें वापस जानी है वो डाल देता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी इन्वेंटरी सेट कर दी है, तो ये सब चीजें मैं लेके जा रहा हूँ। एंड अभी जो है मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जो है ओके मैंने हाथ में सोर्ड की जगह ये पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अभी मेरे को जाना है। ओके अभी बस मेरे को ऊपर देखना है एंड मेरे को जाना है यहाँ पे 10,000 ब्लॉक्स ऊपर। एंड 10,000 ब्लॉक्स ऊपर जाने, ये देखो यहीं से ग्लिच स्टार्ट हो गया कि मैं अपने आप को दिखना ही बंद हो जाऊंगा। एंड या ड्यूरेशन 3 के रॉकेट्स है तो काफ़ी अच्छे चलेंगे। तो बस ऐसी जो है मेरे को 10,000 ब्लॉक्स पे जाना है, जल्दी से जो है मैं 10,000 ब्लॉक्स पे पहुंच जाता हूँ। ओके गाइस तो देखो अभी जो है मैं देखो गेम को पॉज करके मेरे को एक तो गाइस मास्टर वॉल्यूम बंद करनी है क्योंकि फायरवर्क्स का जो है आवाज़ मेरा दिमाग खा देगी। तो जैसा तुम देख सकते हो अभी जो है हम यहाँ पे 3600 ब्लॉक्स जो है हवा में आए हैं, मेरे को 10,000 जाना है, तो या जल्दी से पहुंच जाते हैं। ओके गाइस तो देखो हम जो है क्लोज आ चुके हैं 10,000 ब्लॉक्स के क्लोज, क्या भाई हम पहुंच ही गए। ओके ये हम आ चुके हैं 10,000 ब्लॉक्स, तो यहाँ पर मेरे को भी रुकना है एंड मेरे को मुड़ना है इस तरीके से कि मैं किसी एक, अरे मेरे को रॉकेट नहीं चलाना था एक सेकंड। ओके मेरे को किसी एक डायरेक्शन में इस तरीके से मुड़ना है कि दूसरे वाले के जो है चेंज ही ना हो कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल भी। आराम से यार बिल्कुल चेंज नहीं होने चाहिए कोऑर्डिनेट्स एक सेकंड मेरे को। ओह माय गॉड गाइस थोड़ा सा हार्ड है, एक सेकंड मेरे को अलाइन करना है, तो मैं मिलता हूँ आपको अलाइन करके। ओके गाइस यहाँ पे आई थिंक सो अलाइन हो चुका है, अभी मैं इन्वेंटरी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मेरे को देखो क्लिक करके रखना है ताकि मेरे को जो है मेरी ड्यूरेबिलिटी पता लगती रहे इलाइट्रा की। एंड तो गाइस अब जो है बस इसी के साथ यहाँ पे आप इंजॉय करो बहुत ही लंबी टाइम लैप्स। अब जो आपको सीधा मिलूंगा गाइस मैं अराउंड 100,000 ब्लॉक्स पे, क्योंकि अभी तो मैं जो है बहुत स्लो ही चल रहा हूँ। देखो मेरी वाई लेवल कितना धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी। सो यह टाइम लगेगा इसमें, तो गाइस एंड आपको गाइस अब मैं सीधा मिलता हूँ 100,000 ब्लॉक्स पे। Let's go. टू के बाद 0। ये रहा गाइस वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट। एक सेकंड जल्दी से मेरे को ये उतारना है जल्दी से यहाँ पे। ओके आराम से मेरे को जो है और ब्लॉक निकालने हैं, और ब्लॉक ये लो। ओके यहाँ पे जो है मेरे को लगाना है जल्दी से, हम फार लैंड जो है गाइस फार लैंड पहुंचने वाले हैं। ओ माय गॉड। ओके अब जो है मैं वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूँ। ओके तो गाइज अभी मेरे को यहाँ पे एक चीज करनी है, ये रहा वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, लिटरली ये वही एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है, इसको उठाना है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को अपने रेंडर डिस्टेंस को बिल्कुल टाइनी कर लेना है। देखो 2 पे है मेरा चंक, ठीक है ना। अभी मेरे को नेदर के नेदर में एंटर करना है, उस एरिया को लोड करना है, ये एरिया को लोड करना है, सेव एंड क्विट कर देना है। डन राइट, सेव एंड क्विट कर दिया मैंने। अब ये रहा वो वर्ल्ड फायर लैंड के नाम से जो मैंने सेव करा था, तो गाइज ये डन काम हो चुका है। अब जो है हमें मेन काम जो है करना अभी है, लेट्स गो यार। ओके गाइज तो अभी यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, मेरे को अभी जो है इसको क्विट करना है, ठीक है। ओके अभी ने क्विट कर दिया। अब मेरे को जाना है गाइस डॉट माइनक्राफ्ट में, एंड यहाँ पे जाके जो है मेरे को सेव्स के फोल्डर में जाना है। ओके ये जो हमारा फारलैंड्स का वर्ल्ड है इसको उठाना है, इसको मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। अब इसको बंद कर देता हूँ एंड मेरे को मेरा लॉन्चर खोलना है मल्टी MC। तो गाइस ये जो है प्रीमियम लॉन्चर है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई क्रैड लॉन्चर है फिर हैक क्लाइंट यूज कर रहा हूँ, नहीं। अब मेरे को ये जो वर्जन है ना बीटा, इसका जो है माइनक्राफ्ट फोल्डर को खोलना है, इसके सेव्स में जाना है, एंड यहाँ पे जो है इस वर्ल्ड को मेरे को पेस्ट कर देना। ओके मैंने वर्ल्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके ये वर्ल्ड यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, एंड अब जो है मेरे को इस वर्जन को जो है लॉन्च करना है बस, एंड दैट्स इट। अब जो है यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, वर्ल्ड तो लॉन्च हो जाएगा, लाइक गेम तो लॉन्च हो जाएगा एंड इंस्टेंटली खुल भी जाएगी क्योंकि बीटा 1.17.3 है। देखो यार ये वर्जन
बीटा 1.17.3, ये रहा वो वर्ल्ड फारलैंड्स। इसको ओपन करते ही मेरे को जो है फारलैंड्स दिखना चाहिए। तो ग्लिच बेसिकली क्या है कि 1.12 वर्जन में जिसमें हम खेल रहे थे अभी तक, उसमें हम उस कोऑर्डिनेट्स पे जाके वर्ल्ड में अपने रेंडर डिस्टेंस को कम करके उस कोऑर्डिनेट को ओवरवर्ल्ड में अगर लोड करते हैं तो वहां पे जो है वो वर्ल्ड सेव हो जाता है, एंड उसी को हम जो है इस वर्जन में खोलते हैं जहां पे फारलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें फारलैंड्स दिखने चाहिए प्लीज। वेट, मैं मर गया लेकिन फारलैंड्स ये रहे। एक सेकंड, नहीं, मैं बार-बार मर क्यों रहा हूं? नहीं, एक सेकंड, ये गलत है। ओ ये गलत है। एक सेकंड, अरे तो मैं बार बार मर रहा हूँ, इसको कैसे फिक्स करूँ? बट मेरे को फारलैंड्स दिख रहा है। ओके गाइस, इस प्रॉब्लम को जो है मैं एक सॉल्व कर सकता हूँ। सेवन, अगर मैं क्विट करूँ इसे और इस वाले वर्ल्ड को डिलीट कर दूँ, ठीक है ना, और अगर जो है मैं दोबारा से माइनक्राफ्ट उसके वर्जन में वापस से जाऊँ, तो आई थिंक मेरे को पता है इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में है एक आइडिया, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ओके, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है? अभी मेरे को इस वर्ल्ड में वापस से जाना है, तभी के तभी लोड हो जाएगा। मेरे को नीचे जाना है। यहाँ पे चलो। ओ कितना क्लोज था मरते। मैं सेव एंड क्विट करना है। डन, ओके, सेव एंड मैंने क्विट भी कर दिया था। क्विट करना है यहाँ से गेम को। ओके, मेरे को दोबारा से जाना है डॉट माइनक्राफ्ट में, एंड मेरे को जाना है सेव्स फोल्डर में। मेरे को इस वाले वर्ल्ड को दोबारा से कॉपी करना है। मेरे को इस बीटा वर्जन का फोल्डर खोलना है माइनक्राफ्ट का, इसके अंदर इस वर्ल्ड को पेस्ट कर देना है, जो कि पेस्ट हो जाएगा वेरी इजिली। ओके, ये पेस्ट हो चुका है। अब इस वर्जन को लॉन्च करना है। भाई लिटरली माइनक्राफ्ट का बीटा 1.17 है, जो कि 2011-12 में पता नहीं कब रिलीज हुआ था। ये तो लॉन्च होने में टाइम ही नहीं लगा था बिल्कुल भी, एंड ये देखो लॉन्च हो चुका है। एंड अगर अब मैं इस वर्ल्ड को लोड करूँ तो प्लीज मेरे को ऊंचा स्पॉन मत करियो। देखो गाइस, हम पहुंच चुके हैं फारलैंड्स में। ओ माय गॉड, देखो कितना ज्यादा लैगी है ये। ओ माय गॉड गाइस, एंड इसी के साथ में तुम्हारा भाई मैं बन चुका हूँ फर्स्ट इंडियन टू एवर रीच फारलैंड्स इन कंप्लीट सर्वाइवल ब्रो। तो गाइस, सिर्फ इस चीज को देखने के लिए हमने जो है ट्रैवल करा 12 मिलियन ब्लॉक्स, एंड आज हमने क्रिएट कर दिया हिस्ट्री। सो आई होप यू गाइस, तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ऑल्सो गाइस, ऐसी जो एक बहुत ही खतरनाक वीडियो में मैंने पायरेट शिप बनाया था, उसकी वीडियो आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, उसको जाकर देखा। मिलते हैं, सी यू। Goodbye, boys and girls.